डीडी पंजाबी ते खास खबर एक नज़र देख रहे सारे दर्शकों का मैं वंदना खन्ना निग्गा स्वागत करती हाँ। तो रोज़ की तरह असं करनी है जी खास खास खबरों पर विचार चर्चा। तो अज इस विचार चर्चा लिए साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने सीनियर पत्रकार जतेंद्र पन्नू। आओ सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम खास खबर एक नज़र च तुहाडा। सो हुण रुक करते हैं जी अज दीआं खास खबरों वल। पहली खबर की गल करिए तां कल देश का गणतंत्र दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज शाम देश नूं संबोधित करनगे। इस दिहाड़े बारे, इस खास दिहाड़े बारे तुसीं की कहना चाहोगे? वंदना जी, ये दिन साढ़े वास्ते इस करके खास है जी कि उदों असीं बेगाना कानून बेगाना संविधान छड के अपने आप नूं गणतंत्र लोकां दा तंत्र जिहड़ा डिकलेयर किया सी और संविधान इत्थों शुरू किया सी हम भारत के लोग जी वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाकी सब गल्लां उस तों बाद इहदा मतलब कि जिहड़ा लोकां वास्ते लोकां दे चुने हुए नुमाइंदां दा राज सी उन्हूं एक तरह की प्रवानगी दित्ती गई सी। इहदे नाल कुछ आसां सन उन्हां चों कुछ पूरियां होईयां, कुछ अधूरियां रहीयां ते कुछ इहो जिहियां जिहड़ियां शायद अणगौलियां वी रहीयां। मिसाल दे तौर ते जदों इह आख्या गया संविधान च कि साडा इह राज साडा इह देश अपने जिहड़े नागरिक है उन्हां दी विज्ञानिक सोच विकसित करन वास्ते यतन करेगा, इहदा मतलब कि अंधविश्वासां नूं रोकण दा यतन करेगा, उस पासे असीं कुछ नहीं कर सके जी। इह मामला बण दूजा कुछ गल्लां होईयां कुछ अधूरियां रहीयां, जिहड़ियां होईयां उह रातों रात कोई पहाड़ नहीं ढा सकदा, रातों रात कोई नहर नहीं पुट सकदा। कुछ कम होए उह कदम बा कदम 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 हुंदे रहे। राजीव गांधी ने एक बार कहा सी मैं फलाना कम वो करता जिहड़ा मेरे तो पहलियां सरकारां बिल्कुल नहीं कर सकियां। तो एक पार्लीमेंट मैंबर ने उठ के आख्या सी इदां दी गल कहण तो पहलां सोच लेना सी कि पहलियां सरकारां च तुहाडी माता जी दी सरकार भी सी। अजकल साडे प्रधानमंत्री मोदी साहब कहिंदे आ मैं वो कम करता जिहड़ा हुण वालियां सरकारां हुण तक दियां ने नहीं सी कीता। फिर लोग कहिंदे जी उन्हां सरकारां च ते वाजपेई साहब दी भी सी, तुसीं उन्हां इह गल नहीं। हुण जे कोई इह आखे कि मैं ओ जम्मू तक रेल पहुँचा दिती, भी पहला किसी ने लिया के पठानकोट तक पहुँचाई सी तां अगे तुरी, फिर जे पठानकोट तक पहुँचाई सी दूजा नूं जम्मू तक लै गया, तीजा उधमपुर तक लै गया। साढ़े कोल पहला रेल नंगल तक हुंदी सी, किसी होर सरकार ने ऊने तक पहुँचा दी, किसी होर ने अगे अंब तक पहुँचा दी। हुण वाली सरकार ने आके चिंतपुरनी पहुँचा दिती ते उह कहण असी चिंतपुरनी पहुँचाती होर कोई पहुँचा ना सकिया। इहदा मतलब जिहड़े पहलियां ने कदम पुट्टे सन पेंडा तय कीता सी उहनां नूं असी अखों परोखा करदे हां। जिन्ना होया जिहड़ी सरकार ने कीता हर एक ने पहली नालों दो कदम अगे पुट्टे होणगे, पर कुछ ना कुछ रहि वी गए। इह लेखे जोखे दी घड़ी भी आ पर नाल माण दी घड़ी भी है कि जदों तो असी आजाद होए हां साडे आंढ गुआंढ होर देश भी है जिन्हां च जमहूरीत जिहड़ी आ हमेशा ही खतरे च रही है। इत्थे चुनी हुई सरकार सदा राज करती रही है। एमरजेंसी दे 19 महीने थोड़ी जी खड़ोत आई सी, बाकी समा साडा गणतंत्र एक लोकतंत्र दे तौर ते चलदा रहा। हुण जदों गणतंत्र फिर आ रहा अज शाम नूं गणतंत्र दी पूर्व संध्या, ते पूर्व संध्या दा मतलब कि गणतंत्र तों पहली शाम जिहड़ी है देश दे राष्ट्रपति ने भी संबोधन करना। असीं सारे भी इस गल लई तैयार रहीए कि कल जिहड़ा गणतंत्र आ रहा कमियां कमजोरियां दे बावजूद सानू सिर उच्चा करके खड़ोण दा मौका दुनिया च दिंदा, इहदा असीं स्वागत करना जी। पंजाब सरकार ने कल कर्जा मुआफ़ी दे चौथे पड़ाव च 1,42,000 किसानां नूं सर्टिफिकेट वंडे ने कर्जा मुआफ़ी दे। इह कर्जा मुआफ़ी किस तरह की है और दूजी गल कि हुण तक किन्ने कर्जे मुआफ़ होए ने? वंदना जी, हुण तक 3 लाख तों वध किसानां दा कर्जा पहलां पंजाब सरकार माफ़ कर चुकी है जी। इह दावा उहनां दा उस दावे नूं गिणतियां नाल ते कदे किसे ने कटिया नहीं, उदां खबरां आउंदियां लै एवें गल्लां करदे आ किहदा माफ़ कीता। जिन्ना किसानां दा माफ़ कीता जांदा उह दस्सदे साडा हो गया जी। हुण जिहड़ा एडा वड्डा पंजाब है उहदे च हर किसे दा माफ़ होया वे फिर तां दिस पवे, जदों विचों विचों कुछ लोकां दा माफ़ होया ते कुछ दा नहीं होया। जिहड़ा नहीं होया विरोधी धिर नूं दिसेगा, जिहड़ा होया उह राज करदी पार्टी नूं दिसेगा। 3 लाख दे करीब अगे सी, उत्तों थोड़ा वध सी, हुण 1,42,000 होर हो गया। इहदा मतलब कि
4.5 लाख के करीब किसानों का कर्जा मुआफ हो चुका जी। हद रखी गई कि गरीब तो सीमांत सीमांत होंगे जोड़े बिल्कुल मार्जिनल किसान ने वो उन्हें तक थोड़े जे जमीन वाले ये भी आख्या गया कि 2 लाख तक माफ़ करना जे किसी का 25 लाख है तो आख्या जाए लै 2 लाख माफ़ किया यदा की फायदा कुछ तक किया। अच्छा जे किसी के सिर करजा ही 60 हज़ार है तो सरकार की हद भावें 2 लाख की हो जो करजा ही 60 हज़ार है तो 2 लाख माफ़ कितों कर सकती है ये भी गल हैगी है। माफ़ किया गया कल वाला जिहड़ा किया ये नाल रला के 1000 करोड़ का बोझ होर पैना 1800 करोड़ तो वध दा बोझ अगे पिया सी 2800 करोड़ का पहला कोऑपरेटिव सोसायटियां का माफ़ किया फिर कोऑपरेटिव बैंकों का उहदे बाद सरकारी बैंकों का हुण व्यापारक बैंक जिहड़े आ प्राइवेट बैंक उन्हां दी वारी आउण लगी है भावें इहनूं कोई आखे कि छजत ऊठ तो छाणी लई आ भावें कुछ आखे पर कुछ किया तो है जो किया इहदे नाल नाल इहदा असर दूजे राज्यां ते पिया मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ दीआं सरकारां कीता असाम दी ने कीता महाराष्ट्र दी ने कीता जिहड़ी गल कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखी उन्हें आख्या कि राज्यां कोल बहुते फंड नहीं बहुता पैसा नहीं केंद्र सरकार बांह फड़े एक बारी सारे देश की किसानी नूं संकट चों कढ़िया जाए क्योंकि किसानी का संकट बड़ा अजीब है। एक साल कोई प्लैनिंग नहीं सरकार वालों कोई सीध नहीं दी जाती कि इस वारी किन्नी फसल कि बीजनी एक बारी प्याज का भा बाजार 35 रुपये किलो होंगे को 35 रुपये किसान तो खरीदते हैं तो बाजार 150 रुपये में किलो होता अगले साल वो फसल कोई 2 रुपये किलो भी नहीं चुकता तो किसान कई किसानों ने खुदकुशी कर ली है। आलूआं का भा यो है 1 साल 1 रुपये किलो भी नहीं रहा तो 1 साल मुड़ के 20 रुपये किलो में भी पहुँच जाता। इन्ह सारिया किसान इस बदअमनी बद इंतजामी जी प्रबंध की दुर्व्यवस्था वो शिकार हों खुदकशियां करता। कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह गल ठीक है कि एक बारी केंद्र सरकार वो बांह फड़े तो अगे तो उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा करने का यतन किया जाए ये कल्ले किसान ही नहीं होर गरीब जड़े ने शहरी मजदूर ने खेतों के मजदूर ने उन्हां वास्ते भी कुछ ना कुछ प्रबंध करने पैणगे। आखिरकार पुरानियां रवायतां भी है कि राजे राणियां कोल खजाने बहुत हुंदे सी जे अकाल पैंदा सी जां कोई होर जिही मुसीबत हुंदी सी उह भी खजाने दे मूंह लोकां वास्ते खोलदे हुंदे सी हुण भी खुलने चाहीदे जी। अगली खबर वल चलदे आं इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां बारे मुख चोण कमीशन ने कहा है कि असीं पुराने युग वल नहीं परतना। तुसीं की सोचदे हो ईवीएम दी जद गल हुंदी है बार बार गड़बड़ियां दी वी गल हुंदी है बैलेट पेपर वापस लिआउण दी गल हुंदी है तुसीं की सोचदे हो इस पूरे मामले बारे। देखो असीं सियासी पार्टियां नाल तां सहमत नहीं हो सकदे जी कि जे पंजाब विच कांग्रेस जित जावे ते उह आखे वोटिंग मशीनां ठीक ने यूपी च हार जावे ते आखे वोटिंग मशीनां च गड़बड़ है। दिल्ली च 17 चों 67 सीटां आम आदमी पार्टी जित जावे ते वोटिंग मशीनां ठीक है पर पंजाब विच सरकार बणदी रहि जावे झाक बड़ी वड्डी सी कहण मशीनां च गड़बड़ हो गई है ये उन्हां नाल तां सहमत नहीं होया जा सकता पर यह गल वेखनी चाहीदी है कि वोटिंग मशीनां दे नाल नाल जो कुछ हुंदा पिया कुछ थावां तों गड़बड़ दीआं जिहड़ियां शिकायतां आईआं ने उन्हां नूं दूर करना चाहीदा। जे पता है कि मध्य प्रदेश दे विच इक वारी इक डिस्ट्रिक्ट पद्धर दे साडे कोल इत्थे डिप्टी कमिश्नर हुंदा उत्थे कलैक्ट हुंदा उन्होंने मीटिंग सद्दी पत्रकारां दे सामने मशीनां विखाईआं तो उन्होंने मशीनों से जोड़ा मर्जी बटन दबाओ वोट एक खास पार्टी ने पीती पी सी हूँ मैं पार्टी का नाँ नहीं लेंदा उदा लोगों को पता ही है कि किनू पीती सी तो फिर उन्हें कलैक्टर बीबी ने पत्रकार को आख्या खबरदार ये खबर नहीं छापनी ये खबरदार खबर नहीं छापनी पत्रकार किसी के दिता नहीं खाते लोगों वास्ते जवाबदेह ने उन्होंने खबर छाप दी रौला पिया फिर कहिंदे नहीं जी दूजी स्टेट चो मशीनां आईआं इहदा मतलब दूजी स्टेट च गड़बड़ की आईआं ये जे कितें हैगे ने नुक्स तो दूर करने चाहिए है। चोण कमीशन का जिद्दीपणा भी ठीक नहीं गा जिहड़ी इस वेले पार्टी राज करती है तो चोण कमीशन दे नाल डट के खलोती है। कमाल की गल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार वेले उस भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने सब तो पहला वोटिंग मशीनों च गड़बड़ का दोष लाया सी और जिन्हें दोष लाया सी अज भी केंद्र सरकार च मंत्री है शुरुआत इतों हुई सी। जे दुनिया के बहुत सारे देशों च वोटिंग मशीनों तो बगैर बैलट पेपर नाल पर्चियां नाल कम चल सकता तो भारत में भी ये जिद कोई नहीं कि असी आ कम नहीं करना इतने बड़े कम है जोड़े दुनिया करती है बाद तजर्बा ठीक ना रहे तो मुड़ के बदलते भी नहीं जोड़ा जहाज लंडन तो न्यूयॉर्क तक 6 घंटिया जाता से जो वो थान पर एक कॉन्कॉर्ड बन गया जोड़ा 3 घंटिया 3.5 घंटिया चल जाता से बड़ी बल्ले बल्ले की पर जो तजर्बा फेल होया वो एको हादसे तो बाद जिन्हें जहाज बने सन
सारे ग्राउंड कर दिए गए, उन्होंने मुड़ के चलाया नहीं गया और फिर वेख्या गया कि स्पीड इन्नी है जिनी चुक सकते, रोक लिया गया। अगे भी कई तरह स्कीमां वापस लिया जा जे लोगों की तसली नहीं, सब तो वड्डी गल लोगों की तसली है, जे लोगों के मन में शक बह गया हो तो शक नूं दूर करने वास्ते फिर बैल्ट पेपर वाल भी जाना पवे तो हर्ज कोई नहीं, विचार कर लेनी चाहिए है, पर विचार किए बगैर ही पहला कहना नो ये तो नहीं हो सकता, आ तरीका ठीक नहीं, ये आखना कि असी विचार भी नहीं करनी। लोकतंत्र विचार तो हर गल होगी, हर गल की विचार होनी चाहिए है। इस वे जे इदा के जिद्दी पुणा हो वह भी ठीक नहीं लगता। कई यहोजे भी चोण अफसर ने जिहड़े जदों चोण कमिशन होंदे सन जां उहदे नाल जुड़े होंदे सन किसे पासिओं उदों होर बोली बोलदे सी, रिटायरमेंट तो बाद होर बोली बोलदे पए, कल नूं की पता किहने की आखणा, इन्ना जिद्दीपणा ठीक नहीं लगता जी। पन्नू साहब लोक सभा चोणां नेड़े ने, तरीका दा ऐलान हले होया नहीं, पर बहुत सारे चोण सर्वेखण जिहड़े ने उह सामणे आ रहे ने, तुसीं की सोचदे हो इन्हां चोण सर्वेखणां बारे? मैं चोण सर्वेखणां दे कदे वी बहुता पक्ष विच नहीं रहा, क्योंकि चोण सर्वेखण परमाहू हुंदे ने, ये कई बार वेले तो पहला इस तरह का प्रभाव भी देंदे ने कि आ भी हो गया वो भी हो गया, जिहड़ी पार्टी नूं इह जिताउंदे ने वह पार्टी असल च जितदी नहीं हुंदी। चोण सर्वेखणां दे विच जिन्ना कि कोई गुड़ पावे उहदे मुताबिक मिठा करन दा रवाज भी हैगा, वह सब कुछ चलता सानूं पता है, पर कदे कदे कुछ चोण सर्वेखण इहो जिहे आउंदे आ जिहड़े हकीकतां दे नेड़े भी जापदे आ। हुण इस वेले जो चोण सर्वेखण दसदे पए ने वह बड़ी स्पष्ट जी तस्वीर कह रहे हैं कि 2014 दे विच जो कुछ प्रधानमंत्री बनन तो पहला नरेंद्र मोदी साहब ने आख्या तो उन्होंने भल बनी सी, वो अज नहीं, अज भी इन्नी उन्होंने हैगी है खुल कि वह जिथे भी जाते हैं ये उन्होंने पक्ष में है कि उन्होंने कोल एक जथेबंधक टीम है कि जिथे इन्हें जाके बोलना हो जे उत्थे 50,000 का कट्ठ है तो अगले पासे 5,000 बंदे अपने वो बिठाए होंगे जिहड़े पहला मोदी मोदी का राग शुरू करते हैं तो बाकी पब्लिक नाल लग जाती है, पर सारा देश के राग गाउण नूं तैयार नहीं। जदों देश यह समझदा कि सरकार बहुत सारिया गल्लां वह कह रही है जिहड़ियां गल्लां अमर च लागू नहीं हुंदियां, असीं हुण पुरानियां कहानियां ते ना पाईए कि लोकां दे खाते च 5-5 लाख आ जाणे ते 15-15 लाख आ रहे, उहदे तो बाद भी बहुत सारिया गल्लां इहो जिहियां होईयां ने जिहड़ियां सरकार ने कहियां ते हो नहीं सकियां। आ डिजिटाइजेशन दे नां दे उत्ते जिस तरह के प्रबंध किए गए तो चल नहीं सके, वह भी सारे नूं पता, हुण किसी के पैसे बैंक में पए होण अपने पैसे भी खड़े पैर नहीं लै सकता, फिर चैक सिस्टम है, पहला यह होंदा सी कि मेरा जे उत्थे 1.5 लाख रुपया हो, मेरा 2 लाख रुपया हो, मेरा 12 लाख रुपया हो, मेरे घर के किसी जी नूं लोड़ है तो मैं चैक दे के भेज दिंदा सी जाके उत्थों कढ़ा लो, ये हर लोग करते सन सारे। हुण ये कह दिता कि अपने आप तो बिना दूसरा कोई बंदा चैक लेके आए तो इन्ने थोड़े जे पैसों तो वो कढ़ा ही नहीं सकता, जे 20,000 की हद मिस देनी है तो वो पैसा बैंक में पिया कद लोगों रखिया, इन गलों पर कई रोक ला दी गई ने, लोग उत्थे जाते हैं ATM के उत्ते उत्थे बंदशा ने इन्ने पैसों तो वह यदा मतलब कि एक दिन इन्ने तो वह नहीं कढ़ा सकता, जे वी लोड़ आ तो रोज़ एक घंटा पहले इस काम वास्ते मशीन जाके लग्या करे लाइन च, एक जिदा का यह सिस्टम बनाई जा रहा उदे तो सब तो वह कारोबारी क्लास जी दुकानदार होर जोड़े व्यापारी ने सनतकार ने वो सारे लोग तंग ने। सरकार कहती है कि हर किस्म की पेमेंट जी है तनखाह होन मजदूरी होवे ठेके दे पैसे होन वो सारे दे सारे तुसीं डिजिटाइज कर दिओ उन्हां दे खात्यां च सीधे जाण, पर सरकार दा अपना महकमा रेलवे दा इहदे नाल जिहड़े ठेकेदार ने उह रिपोर्टां सारे पासे छपण डीआं ने कि अपने स्टाफ नूं वो कैश पेमेंट करदे पए ने, वो कैश पेमेंट लखां च हुंदी पई आ, वो कित्थों हुंदी पई आ, इहदा मतलब इह कि कहण दीआं गल्लां होर ने करन दीआं होर ने, उहनां दा असर आम जनता ते पै रिहा ते जिहड़ा जनता ते असर पै रिहा वो किसी ना किसी रूप च सर्वेखणा दे सामने आ रहा। हुण वो गल्लां ते गईआं कि मोदी साहब की अगवाई दे विच भाजपा ते गठजोड़ उहनां दा 338 ते 360 सीटां लै जाएगा, वह गल्लां भी गईआं जदों मोदी साहब कहिंदे सन हाँ 200 सीटां भाजपा आजू ते भाजपा दीआं 200 इत्थां 282 आ गईआं सन, अज वो युग नहीं, बड़ियां चीज़ां दा असर पै रिहा। ज्यों ज्यों पार्टियां जिहड़ियां ने गठजोड़ करदियां ने, जिहड़ा केंद्रीय एजेंसियां दी दुरवरतों हो रही है कि जे मायावती ते अखिलेश सिंह दुपहरे वो मीटिंग करन ते रात नूं उहनां चों इक दे खिलाफ मुकदमा बन जावे, जे प्रियंका गांधी दे आउण दा ऐलान होवे ते अगली सवेर तक उहदे पति दे दफ्तरां उत्ते छापा वज जावे, इन्हां गल्लां तों लोकां च सगों उल्टा प्रभाव पै रिहा। सरकार दीआं एजेंसियां सरकार दी मर्जी नाल करदियां कि मोर लैल दैन द किंग हिमसेल्फ राजे नालों वध राजे नाल वफादारी करदियां ने, पर असर इहदा माड़ा पै रिहा जी।
लोग सभा चोणों तो ठीक पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का नाम सामने लैके आंदा और 21 दिन दे विच सोशल मीडिया ने उन्होंने इंदिरा गांधी की जगह दे दिती है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दे विच वो एक वड्डा नाम उभर के सामने आउणगे, तुसी की सोचते हो इस बारे? देखो, नेहरू गांधी परिवार की इस पीढ़ी के विचों जे कोई सब तो वध प्रभावशाली है तो वह तो प्रियंका गांधी है जी। कांग्रेस पार्टी वाले मनन या ना मनन, राहुल गांधी नालों वध प्रभावशाली वो अपनी दादी वांग गल भी गिणी मिथी करती है, उसकी ग्रामर विच भी नुक्स नहीं निकलते, उन्होंने किसी तो दूजे तो पुछण की भी लोड़ नहीं पैंदी, आप बोलती है, कागज़ ते चिट्टा भी ना रखती है ना किसी तो वेले सिर फड़ती है कि हुण मैं की बोलना, वो इन्नी क सियाणी हैगी है, उहदा असर तां पैंदा ही है। वो जे आ ही रही है तो उहदे आउण दे उत्ते दूसरियां पार्टियां ने, खास तौर पर विरोधियों ने जिन्नी क हाए तौबा की है, जिन्ना चीख झड़ा जहा पाया नाल करन लगे, सानू इहदे परवाह उह करू, जे परवाह नहीं तो फिर तुसीं उहदे बारे बोलते क्यों जी? और सारयां नूं इह पता कि जिहड़ी जदों जो कुड़ी आउंदी है तो उस कुड़ी दे आउण दे उत्ते असर तां पैणा ही पैणा। हुण अगों पार्टी उहनूं किस तरह वरती किस तरह नहीं, वो कुड़ी कित्थों तक जांदी इह पता नहीं। नाल इक वड्डी समस्या उहदे सामणे इह आउणी है कि उह जिथे जाऊगी नाल नाल रॉबर्ट वाड्रे दा परछावां तुरिया जाणा, उहदा की करूं जी? नेहरू गांधी परिवार दे विच दो जवाई चर्चा च रहे, एक जवाई सी जिन्हें इंदिरा गांधी नाल विआह कराया सी फिरोज़ गांधी ने, वो इहो जिहा सी कि भरी पार्लीमेंट च उठ के उन्हें अपने सहुरे नूं कहता सी आ किदां दे करप्ट बंदे तुसीं लई फिरदे नाल, आ देश दा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, भ्रिष्टाचार वधी जांदा। दूजा जवाई हुण वाला जिहदे अपने भ्रिष्टाचार दे किस्से नहीं मुकदे, इह कुड़ी जदों कम करेगी लोगों विच चर्चित आ, लोगों विच इहदे बारे क्रेज आ, गल भी इहनूं करनी आउंदी आ, पर समस्या इह आ कि रॉबर्ट वाड्रे दा की कीता जाऊ, उहनूं किहड़े संदूक च बंद कर देणा जी। अगली खबर वल चलते हैं, करतारपुर साहब लंघे नूं लैके पाकिस्तान का यह प्रस्ताव कि सिर्फ सिख श्रद्धालु ही जा सकणगे, उस तो बाद सियासी हलकियां दे विच बहुत सारियां गल्लां हो रही ने, विरोध हो रहे हैं, तुसीं की कहना चाहोगे इस ते? देखो, पाकिस्तान की सरकार ने इस लंघे नूं अपने हितों वास्ते वरतण दा यतन किया, तो यतन अजे जारी है जी। इस जिवें शर्तां लाइयां जा रहियां, पहली तो यह शर्त अजे भी आखी जांदे आ कि पासपोर्ट ते वीजा चाहिए, जे कोई डेरा बाबा नानक विच बैठा बंदा पैदल चल के करतारपुर साहब तक अद्धा घंटा जाण दा, अद्धा आउण दा, ते एक घंटा उत्थे ला के दो घंटे मुड़ सकदा, वो पहला गुरदासपुर जां अमृतसर पासपोर्ट बनावे बनाउण वास्ते जावे, फिर वो दिल्ली वीजा लैण वास्ते जावे, एक खज्जल करन वाली गल इह नहीं होनी चाहीदी। दूजी गल इह कहती है कि 15-15 दे ग्रुपां च जाऊंगे, उदां नहीं जा सकदे, इह 15 दे ग्रुपां च क्यों, जे किसे दे परिवार दे 5-6 जी उहनां नूं लै के क्यों नहीं जा सकदा, इदां दीआं शर्तां लाउणियां गलत आ। तीसरी गल इह कि उन्होंने कहता कि सिर्फ सिख जाण गैर सिख नहीं जाणगे, इत्थे सदियां तो लैके पंजाब विच इक रवायत रही है हिंदू परिवारां च, खास करके उदों जदों सिख जे जंगलां दे विच अपने आप नूं लका के लड़ाइयां लड़दे पए सन, घोड़े दीआं पिट्ठां ते सवार सन, उदों हिंदुआं दे विच रवायत हुंदी सी कई परिवारां च कि जिहड़ा घर विच पहला पुत्तर पैदा होवेगा उहनूं सिख बणाया जावेगा। दिल्ली दा मुख्यमंत्री हुंदा सी भाजपा दा मदन लाल खुराना, उहदा वड्डा भरा सिख सी, साढ़े कोल पंजाब च एक बहुत वड्डा राइटर सी सरदारा सिंह पागल, ये हिंदू परिवार का हिंदू माँ बाप का पुत सी, इहदा छोटा भरा राजकुमार हिंदू सी, ये परिवार च हुंदी। हुण कई हिंदू परिवार ने जिहड़े गुरु नानक साहब दे श्रद्धा रखते हैं, जे कल नूं उह जाणा पहुंचाउण ते उन्हां उत्ते रोकां ला दिओ, ये रोकां गलत ने, और इन्हां दा सब तो पहला विरोध कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, फिर श्रोमणी कमेटी ने किया, फिर अकाल तख्त साहब दे जथेदार ने किया, मेरा ख्याल पाकिस्तान नूं इहो जिहा रोकां नहीं लाउणियां चाहीदियां जी। पन्नू साहब, प्रोग्राम खास खबर एक नज़र दा समां इत्थे समाप्त हुंदा है, तुसीं प्रोग्राम दे विच आए बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, ते इहदे नाल ही मैनूं वंदना खन्ना नूं ते साडे माहिर मेहमान जतिंदर पन्नू नूं दिओ इजाज़त, धन्नवाद।